हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता पाठक। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले दिल से आप लोगों को थैंक यू सो मच मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। सो आज का मेरा टॉपिक है लाइक व्रत में हम क्या क्या खा सकते हैं, व्रत की थाली। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं राजगीरे की पूरी। ये है हमारा राजगीरे का आटा। हम इसकी पूरी भी बना सकते हैं, इसकी रोटी भी बना सकते हैं, इसका पराठा भी बना सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे सब लोगों को इसकी पूरी लगेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया राजगीरे का आटा, ठीक है। आप क्वांटिटी अपनी फैमिली के हिसाब से ही लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बॉईल, ये पोटैटो है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्रश करेंगे। इसमें वाटर बहुत कम लगता है, बहुत कम। सो अगेन ये भी आप आटे की क्वांटिटी को देखकर ही लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। यहां पे ये है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। अब हम इसे प्रॉपर तरीके से गूंथ लेंगे। कभी कभी इसमें वाटर नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता, बट थोड़ा सा आपको स्प्रिंकल करना होता है। सो ये रहा हमारा आटा जो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, और इसमें मैंने अभी तक थोड़ा सा भी वाटर ऐड नहीं किया है। सी, इसमें वाटर की अभी तक जरूरत भी नहीं लग रही है ऐड करने की। बस आपको अच्छी तरीके से इसको लाइक दिस आपको ऐसा वाटर यूज करना है, बस थोड़ा सा। सो ये हमारा आटा रेडी हो गया है। इसके साथ साथ हम बनाएंगे आलू की सब्जी, जो इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। ये है विदाउट वाटर। तो ये हमने आटा लगा लिया, इसे हम एटलीस्ट 5 मिनट्स रेस्ट करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसकी पूरियां बनाएंगे। नेक्स्ट हम बना रहे हैं आलू की सब्जी, जो कि फास्ट में ये भी खाई जाती है। तो ये रहा हमारा घी, आलू, टमाटो, चिली, ये हमारा करी लीव्स, अगेन रॉक सॉल्ट, और ये रहा जीरा। सो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में घी ऐड करेंगे, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हो, बट मैं घी ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को स्लो ही रखेंगे, अदरवाइज हमारा जो जीरा है वो जल जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं जीरा। जीरा जलने नहीं पाए, इस चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज ये बहुत जल्दी जल जाता है। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसमें चिली, हरी मिर्च, अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं करी लीव्स। नेक्स्ट हमारा करी लीव्स, चिली, और ये अच्छी तरीके से हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब टमाटर थोड़ा जल्दी से गल जाए उसके लिए हम नमक डाल देंगे। एक बार इसे चला लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। बस टमाटर जो ये सॉल्ट है जो अखा है ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से गल गया है। थोड़ा हम इसे 2 मिनट और गला लेंगे, फिर हम इसमें आलू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टमाटो है वो पूरी तरीके से गल गया है, अब हम इसे आलू ऐड करेंगे।
इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। बोलो तो ये हमारा टमाटर अच्छी तरीके से आलू में ऐड हो चुका है। अब मैं इसमें धनिया ऐड करूंगी ऊपर से। तो मैंने अच्छे से, बिकॉज मुझे धनिया बहुत पसंद है, तो मैं अच्छे से इसमें धनिया ऐड कर दूंगी। अब इसे हम फिर से एक बार चलाएंगे। ओके तो ये जो धनिया है ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुकी है। आपको चाहिए तो आप इसमें पानी वाटर ऐड कर सकते हो, बट मुझे ऐड नहीं करना है, मुझे इसको सिर्फ सूखा रखना है पूरी के साथ खाने के लिए। इसे सिर्फ 2 मिनट तेज फ्लेम पे एक बार इसको अच्छे से हम पका लेंगे, फिर हम इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दिया है पूरी तलने के लिए। सबसे पहले इस पे हम ऑयल डालेंगे। ये ऑयल ले लिया है, अब इस ऑयल को हम थोड़ा गर्म करेंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक छोटे से बाउल में भी ऑयल को ले लिया है, बिकॉज ये पूरी बनाने के लिए हमें यूज़ होगा। और यहाँ पे एक मैंने ये जो हमारे पास दूध की जो पैकेट होती है उस पैकेट को हमने लिया है, ताकि पूरी इस पर हम बनाएंगे और वो चिपकेगी नहीं, बिकॉज अगर हम बहुत बार अगर हाथ पर बनाते हैं तो वो चिपक जाती है, इसलिए इस पर मैं ऑयल लगाकर पूरी को बनाऊंगी। सो आइए देखते हैं। यहाँ पे पूरी बनाने के लिए जो हमारा आटा है वो रेस्ट कर चुका है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे हमने ये आटा ले लिया, सेकेंड ये पॉलीथीन लिया है दूध की थैली का, जस्ट बिकॉज अगर इसकी जो रोटी होती है, जिसकी जो पूरी होती है, वो हम बेल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पे रखकर बनाएंगे तो पूरी बहुत अच्छे से बनेगी। यहाँ पे ऑयल लिया हुआ है, बिकॉज हमको ऑयल लगाकर ही इसकी पूरी को बनाना है। सो आइए देखते हैं हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हम छोटी सी एक लोई लेंगे। सो हमने यहाँ पे 4 लोइयाँ बना ली है, अब हम इसको बनाते हैं। थोड़ा सा आप इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, इसको थोड़ा सा हाथ पे पहले प्रेस कर लेंगे, देन आप इस पे रखोगे और इसको स्लोली स्लोली ऐसे प्रेस करोगे, थोड़ा सा ऑयल लगाओगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी बनती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है। सो यहाँ पे हमने ये पूरी को बना लिया, इसे निकालना बहुत इजी होता है। अब हम इसको डालेंगे फ्लेम में, और मेक श्योर कि हमारा जो फ्लेम है वो स्लो होना चाहिए, बिकॉज इसको अंदर तक पकाना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे सेकंड बनाएंगे, थोड़ा सा आप हाथ पे इसे बना लीजिए। ये रहा हमारी सेकंड बन, इसे टर्न कर देंगे हम। बस इसी तरह आपको कंटिन्यू अपनी पूरी को बनाना है, जस्ट यहाँ पे इसको थाप देना है और यहाँ पे डाल देना है। ये हमारी हमारी 4th पूरी। अब ये स्लो आंच में थोड़ा ऐसा होने देना, क्योंकि कभी कभी ये बहुत जल्दी ऊपर से रेड हो जाती है, बट ये अंदर से कच्ची होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो पूरी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये ऑयल पूरा एक बार निकल जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि थोड़ी सी ये खाने के टाइम पे, और इसे अभी हम रखेंगे टिशू पेपर पर, ताकि इसका ऑयल, पूरी हमने तल ली है इसे टिशू पे रख लिया है, जस्ट बिकॉज थोड़ी सी ये ऑयली होती है, तो एक बार इसका ऑयल टिशू पेपर पे सोक हो जाएगा ना, तो ये थोड़ी और अच्छी लगेगी। सो ये हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट है हमारा शकरकंद की खीर। ये बहुत ही स्पेशल है, मे बी बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा। सो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों से ये शेयर करूँ। इसके लिए मैंने शकरकंद लिया था, इसको मैंने भूज लिया है कढ़ाई में डाल के। नेक्स्ट ये है हमारा मिल्क, ये है खजूर भिगाया हुआ, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये शकरकंद यहाँ पर छील लिया है, और छीलने के बाद आप इसे स्मैश करोगे अच्छी तरीके से, ठीक है। ये स्मैश हो चुका है, स्टार्ट। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई रख ली है, इसमें हम घी ऐड करेंगे।
घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें शकरकंद ऐड करेंगे। हम इसे चलाएंगे, इसे 5-7 मिनट हमें इसे भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ये ब्राउन लुक ले लेगा। जब तक हमारा कंद भून रहा है तब तक हम इस खजूर को छील लेते हैं। इसका जो सीड है वो हमें निकालना है। मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि शुगर ज़्यादा अच्छी नहीं होती है किसी भी चीज़ में। सो मैं शुगर का इंटेक थोड़ा लाइक किसी भी चीज़ों में थोड़ा कम करती हूँ, उसकी जगह पर मैं मीठे के लिए इस खजूर का यूज़ करती हूँ। और शक्कर थोड़ा सा हम कम ऐड करेंगे, उसकी जगह पे हम ये खजूर का पेस्ट ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये अच्छी तरीके से ब्राउन लुक ले रहा है, इसे थोड़ा सा हमें और एक ब्राउन लुक देना होगा। ये थोड़ा भूनना ही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, बस इसे हार्डली 5 मिनट और लगेगा। स्टार्ट। अब ये हमारा यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है, और साथ ही साथ खजूर के जितने भी सीड थे वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसे हम ग्राइंडर में डाल के इसको बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। मैंने कहा था कि ज़्यादा शुगर मैं ऐड नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने खजूर का पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पर ऐड करेंगे ये हमारे ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा इसे हम साथ में भून लेंगे एक बार। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे दूध। इसे धीरे धीरे हल्की और धीमी आंच पे इसको हम चलाएंगे, ताकि वो शक्करकंद जो एकदम पूरा गुट्टा बन गया है वो धीरे धीरे निकल जाए। हमने दूध इसमें ऐड कर लिया है और ये स्लोली स्लोली गाढ़ा होते जाएगा। सो डोंट वरी अगर ये आपको पतला लग रहा है, तो भी यू कैन ऐड मेक लाइक आप इसमें मिल्क मेड भी डाल सकते हो। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ब्यूटीफुल इसके ऊपर एक कलर भी आ गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। सो हमारा जो खीर है वो रेडी हो चुका है। इसको हम एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ये यूज़ करेंगे, जो कि ये हमारा है खजूर का पेस्ट। ओके, ये ठंडा होने के बाद ही आपको डालना है, अदरवाइज अगर आपने इसको गर्म में डाला तो आपकी खीर पूरी फट जाएगी। सो मेक श्योर कि जो आपका खीर है वो पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। बस सो हो चुकी है हमारी खीर रेडी। नेक्स्ट हम बना रहे हैं हरी चटनी। फॉर दैट वी रिक्वायर धनिया, साथ ही साथ पुदीना, ये रहा हमारे पास थोड़ा सा कर्ड, ये सिंगदाना, ये रहा हमारा नमक। ठीक है, वाटर हमने ले लिया है। सो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करते हैं इसमें ये धनिया, साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे ये मिर्ची। इसका स्किन अगर आप निकालेंगे तो भी चलेगा, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। सिंगदाने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें दही। आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास दही नहीं है तो। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा वाटर, बिकॉज दही हमने डाली है तो ज़्यादा नहीं लगेगा। हमारी जो चटनी है वो अब रेडी हो चुकी है, यू कैन सी। सो हमारी ये जो व्रत की थाली वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो नीचे जो बेल आइकन है उसे हिट करिए, और ताकि मेरे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।